दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बातचीत होगी चीन की सत्ता पर। जब सत्ता काबिज हो जाए, आम जनता पर भारी पड़ने लगे, तो सत्ता अपने आप में सब कुछ टटोलती रहती है। जो चीन की जो घटनाएं हुई है कोरोना वायरस को लेकर, वहाँ पर सत्ता ने ये बताया, वहाँ की सत्ता ने ये बताया है कि चमगादड़ का मांस खाने की वजह से कोरोना वायरस वहाँ से दुनिया भर में फैला। तो चीन की जो सत्ता है वो चीज़ों को अपने आप में टटोलने के लिए इतनी नीचे गिर चुकी है कि उसे ये झूठ फैलाने में भी कोई शर्म नहीं आती है कि चमगादड़ का मांस खाने से इतने सारे लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए हैं। चीन की जो सत्ता है उसने बहुत पहले ही इस तरह के वायरस बनाने शुरू कर दिए थे जिससे कि वो विश्व के सबसे सुपर पावर पोजीशन पे आ सके। ये जो किया धरा है चीन, ये जो किया धरा हुआ है और जो भी वायरस फैला है हवा में, इसका मुख्य वजह है चीन। चाइना ने ही इस वायरस को तैयार किया है और इसी की वजह से चाइना के जो फैक्ट्री है जहाँ पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के ऊपर रिसर्च होता है, वहीं से कहीं से इस वायरस को लीक किया गया है। जो चाइना के दो डॉक्टर हैं, उन दो डॉक्टर ने ही इस पर चाइना की सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा था दिसंबर महीने में 2019 में। तो ये जो डॉक्टर के नाम हैं, एक है फीमेल डॉक्टर आई फेन, जो फीमेल डॉक्टर है वुहान हॉस्पिटल में, और दूसरे डॉक्टर है जो एक मेल डॉक्टर है ली वेन ली उंग, उनका नाम है ली वन ली उंग। तो ये दोनों डॉक्टर ने चीन की सरकार को जब इसके बारे में जानकारी दी, ये जो वायरस है वो बुरी तरह से फैल सकता है पूरी दुनिया पर, इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए इन दोनों डॉक्टर्स ने चीन की सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा था दिसंबर महीने में। तो चीन की सरकार के पास जब ये मेमोरेंडम गया इन दोनों डॉक्टर की ओर से, तो चीन की सरकार ने इन दोनों डॉक्टर को एक थ्रेटनिंग दिया था कि आप इन इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज ना करें। तब सोचिए सत्ता अपने आप को कैसे टटोलती है, पैसे के खनक से, और सब कुछ पैसे की खनक से तोला जाता है, टटोला जाता है पैसे की खनक से, पैसे की धौंस जमा कर दिखाया जाता है, और वही चीन की सरकार ने किया। तो चीन की सरकार ने इन दोनों डॉक्टर को थ्रेटनिंग दिया। जो ये दोनों डॉक्टर थे उनमें से एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखने की कोशिश भी की थी, इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश भी किया था, लेकिन उसके आवाज़ को दबाया गया, डॉक्टर की आवाज़ को दबाया गया। और अभी जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, ये दो डॉक्टर कहाँ पे हैं किसी को भी मालूम नहीं है, किस हालत में होंगे, कहाँ पे होंगे किसी को मालूम नहीं है। चीन की सरकार पूरी तरह से, देखा जा रहा है रिपोर्ट्स को जितना हम खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है कि चीन की सरकार पूरी तरह से इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जितनी चुप्पी चीन की सरकार साधी हुई है, इससे यही लगता है कि चीन की सरकार इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और ये लगता है कि चीन की सरकार कि इन पॉलिसीज़ की वजह से, आपको कई बार आपको मौका मिला होगा कि चीन हमेशा धमकाता रहता है, दूसरे देशों को सुपर पावर बनने की ताकत दिखाता है हर वक्त, तो ये एक उसी का एक इशारा है शायद चीन की सरकार ने ऐसा कुछ किया है। जो चीन की ये डॉक्टर जानते होंगे ये वायरस कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे इस वायरस को स्प्रेड होने दिया गया वातावरण में और फैलने दिया गया वातावरण में, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश मालूम होती है। तो ये देखा जाएगा, दिन जितना बीतेगा, दिन बीतने के साथ साथ इस साजिश के बारे में और भी कई सारे खुलासे होंगे, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक तो यही हालात है कि चीन के इन दोनों डॉक्टर जानते थे कि इस वायरस को कैसे स्प्रेड होने दिया गया और इस वायरस को मेंटेन नहीं किया गया चीन की सरकार द्वारा, और उनको धमकाया गया कि अगर उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ किया तो इसका गंभीर खामियाजा इन दोनों डॉक्टरों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ है,
चीन की सरकार अभी फिलहाल तो कुछ कह नहीं रही है, लेकिन हमें ये लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, चीन की सत्ता जो कुछ भी आज कर रही है, और इसी सत्य की बस सत्ता के वजह से आज देहाती मजदूर लोग जो दो वक्त की रोटी बहुत ही कष्ट करके कमाते हैं, जुटाते हैं, तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हालात कैसा होता जा रहा है, कैसा बनता जा रहा है हालात। और ये जो देहाती मजदूर है, इन्हें दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन इस लॉकडाउन की वजह से। सत्ता अपने आप में सब कुछ कर लेती है और देश की जनता जो गरीब होती है, देहाती मजदूरी करके अपना पेट पालती है, गुजारा करती है, सब कुछ उसी को सहना पड़ता है। सड़कों पर जनता को ही डंडे खाने पड़ रहे हैं और सत्ता अपने आप में मस्त है। बड़ा मुश्किल है समझना, इन चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कहना, बड़ा मुश्किल है समझना। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।